हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उसी पर रिलेटेड आज क्वेश्चंस करेंगे। ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, ए की पावर माइनस n इज इक्वल टू वन अपॉन ए की पावर n, ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m, अंडर रूट n और m इस तरह से लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर m और इसकी पावर वन अपॉन n। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी, उससे रिलेटेड आज कुछ लास्ट टाइम पर कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, आज उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू कराएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, 9 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2, और इसके बाद जो ब्रैकेट स्टार्ट होता है उसमें लिखा हुआ है 3 की पावर -n/2 एंड पूरे की पावर 2 माइनस 27 की पावर n डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3m मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। और इस वाले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस n इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक, देखने में बड़ा भयानक सा लग रहा होगा लेकिन बहुत ईजी है। अच्छा, सबसे पहले बेस कौन है, 3 की पावर m, 3 की पावर 3n, 3, 27, 9 और इधर भी 27, तो ये 9 और 27 का 3 के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन भी होता है। वो रिलेशन क्या होता है, 3 की पावर 2 और इसकी पावर n लिखते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2 और यहाँ पर 3 की पावर, जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 की पावर -n। ठीक है, 3 की पावर -n और यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर -n। अच्छा, इसमें एक माइनस साइन और है ऊपर, यहाँ पर 3 की पावर 3 और यहाँ पर n डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3n मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3। अच्छा, अब जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2n। मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ 3 की पावर 2n। जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 है, इस -n/2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का n और यहाँ पर 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 3n। अच्छा, जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इन दोनों की सबकी पावर एक साथ ऐड हो जाएगी तो 3 की पावर 2n और n कितना हो जाएगा, 3n+2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3n+2 माइनस 3 की पावर 3n डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3m मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1/3। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चंस में हमने लास्ट में पर क्या देखा था कि जो इसकी पावर छोटी हो उस नंबर को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इसमें 3 की पावर 3n छोटी है 3 की पावर 3n+2 से, तो 3 की पावर 3n बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 3 की पावर 2 -1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3m मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1/27। 1/27 को हमने क्या लिखा था, 1/3 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, 8, और नीचे भी 8 है तो इसको हम 8 लिख दें, यहाँ पर इसको साफ करके मैं क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, 8 से 8 कैंसिल। अब बेस इक्वल हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट वाला बचा 3 की पावर 3n डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3m इज इक्वल टू 1/3। तो जब पावर माइनस हो जाएंगी तो ये क्या बचेगा हमारे पास, 3 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3n-3m, और इस वाली प्रॉपर्टी से 1/n, यानी कि अगर हम इस वाली प्रॉपर्टी से ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 की पावर
माइनस थ्री। जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स भी इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3n माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस थ्री, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो m माइनस n इज इक्वल टू 1। थ्री तीनों में दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो माइनस, एक माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, तो m माइनस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, लगभग हर अच्छी किताब में मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू की पावर n प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 3 प्लस 2 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू क्या क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक, आप वीडियो पॉज करके पहले इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसके बाद आप उसको मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए फिर से क्या करेंगे, 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, 2 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n प्लस 4, ठीक है, माइनस 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n प्लस 4, ठीक है, प्लस 1 अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर n प्लस 1 छोटा है तो 2 की पावर n प्लस 1 बाहर निकाल देंगे, यहाँ से 2 की पावर n प्लस 1 बाहर निकालेंगे। अब n माइनस 4 में से n प्लस 4 में से n प्लस 1 आपने बाहर निकाल दिया तो कितना बचा हमारे पास 3, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 की पावर 3 माइनस 1, और इस पूरे में से भी हमने n प्लस 1 ही बाहर निकाला, पूरे में से जब हमने n प्लस 1 बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 की पावर 3 और प्लस 1 अपॉन 8। n प्लस 1 से n प्लस 1 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 8, 8 माइनस 1 7, 7 अपॉन 8, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी आपकी 7 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कुछ हमने क्वेश्चन किए थे x से रिलेटेड क्वेश्चन थे, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c वाले क्वेश्चन थे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखिए x की पावर a अपॉन x की पावर b, और ब्रैकेट में आपका है a प्लस बी माइनस सी, दूसरा है x की पावर सी, ब्रैकेट में आपका है बी प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर सी एंड एक्स की पावर ए, ब्रैकेट में सी प्लस ए माइनस बी। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें पता है कि हमेशा साइक्लिक ऑर्डर क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। इसमें हमेशा कैसा साइक्लिक ऑर्डर फॉलो किया है, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, इसमें हमें पता था कि a अपॉन b था तो a प्लस बी आ गया, माइनस का c आ गया, तो यहाँ पर bc था तो यहाँ पर जो अपॉन में थे डिवीजन में थे वो प्लस में थे, जो बचा हुआ नंबर था वो माइनस में, तो केवल एक नंबर को अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हुआ x की पावर a माइनस बी, ब्रैकेट इसके ऊपर क्या आ गया हमारे पास x की पावर a प्लस बी और माइनस, ऐसे था। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, a माइनस बी और ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास a प्लस बी और माइनस सी का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो इस ब्रैकेट का पहले इस ब्रैकेट से किया तो a माइनस बी और a प्लस बी और माइनस का c के साथ में a माइनस बी, ठीक है, तो ये तो हमारे पास बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ए सी
प्लस का, ठीक है। तो पूरा हम इसके इसको पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम x की पावर क्या लिख सकते हैं, इसमें हम पूरे में x की पावर लिख सकते हैं, हम पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ए सी प्लस का बी सी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सिमिलर वे से तो x की पावर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है bc, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे b माइनस सी का b प्लस सी और माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और जब bc का इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी प्लस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी प्लस प्लस का ए सॉरी माइनस का ए बी और प्लस का ए सी, ठीक है। सिमिलर तरीके से हमारा सिमिलर वे में हम इसका इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर, मल्टीप्लाई में जगह थोड़ी सी कम है तो x की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास में c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस का माइनस का ए सी और माइनस का ए सी और प्लस का ए सी या माइनस का ए सी और माइनस का प्लस का बी सी, ठीक है। करके देख लेते हैं इसमें कोई डाउट हो तो, ठीक है। अब सिमिलर वे में क्या आ जाएगा यहाँ पर ए माइनस सी और यहाँ पर क्या ए प्लस सी सॉरी सी प्लस ए माइनस बी सी प्लस ए, यहाँ पर भी सी माइनस ए था आपका और सी माइनस ए और माइनस बी। जब हमारे इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस का ए बी, ठीक है। हाँ तो x के साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस का ए बी। अब सारे नंबर्स को सारे सबके बेस इक्वल है तो सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे, सारे पावर्स जैसे ही हमारे ऐड होंगे हमारे पास जो पावर्स लिखी हुई हैं उन पावर को एक बार हम लिख लेते हैं, यानी कि x की जो पावर में जो आएगा नंबर वो क्या है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस का बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का ए सी और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर पॉजिटिव है ए स्क्वायर नेगेटिव है दोनों एक दूसरे को कैंसिल, बी स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर नेगेटिव दोनों कैंसिल, ए सी माइनस का है तो एक प्लस का भी होगा हमारे पास, एक बी सी माइनस का है प्लस का है तो एक माइनस का भी होगा हमारे पास, क्या बचा एक माइनस का ए भी बचा एक प्लस का ए भी, एक सी स्क्वायर माइनस का और ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो सब मिला के एक्स की पावर क्या बची हमारे पास जीरो विच इज इक्वल टू वन, क्लियर। तो इस तरह से x की पावर a, ये जो साइक्लिक ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं, केवल एक को सॉल्व करना है बाकी के फिर वो धीरे धीरे अपने आप सारे सॉल्व होते रहते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसी पर बेस्ड, x की पावर a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई x की पावर b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई x की पावर c माइनस ए डिवाइडेड बाई x की पावर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, क्लियर। तो अब जब इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉरी प्लस कर लो, ठीक। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास सब x की पावर कॉमन है तो हम x की पावर क्या ले लेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c और डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास x की पावर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 यहाँ से कॉमन आ सकता था, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर a प्लस बी प्लस सी
और मल्टीप्लाइड बाई टू और डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी और इसकी पावर टू। ये दोनों एक ही जैसे लिखे हुए हैं। हमारे पास क्या था, ए की पावर एम और इसकी पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम इंटू एन। तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं, इसको ब्रैकेट से जैसे ही बाहर निकालेंगे तो एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आंसर आपका आएगा वन। ठीक, तो साइक्लिक ऑर्डर्स के क्वेश्चंस लगभग इसी तरह से सारे सॉल्व हो जाते हैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमसे एक्स की वैल्यू पूछी जाती है, एक्सपोनेंट और पावर से रिलेटेड, कि आप दो नंबर्स दे रखे होते हैं उसमें कंपेयर करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं हम, 2 की पावर 3x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर x, 2 इंटू 2 की पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, क्वेश्चन होगा आपका फाइंड x, x इसमें अपने आप को फाइंड होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले क्या रहता है कि हमें जिसका बेस, जिसके बेस के ऊपर पावर लगी हुई है उन नंबर्स को पहले एक जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि वो नंबर एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं, बाकी के नंबर दूसरी जगह पर इकट्ठे हो जाएं। क्योंकि हमें एप्लीकेशंस में हमारे पास क्या लिखा हुआ था, हमने क्या पढ़ा, ए की पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। तो हमेशा पावर या बेस हमेशा कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, उससे हमारा काम बनेगा। तो क्वेश्चंस में देखो हिंट के तौर पर तो उसने दे रखा है आपको बेस, तो इसमें भी 2 का पावर, 2 की पावर और 2 की पावर, यानी 2 की पावर x या 2 की जो भी पावर है उनको सेपरेट करो, उनको एक्सट्रैक्ट करो कैसे भी। तो इस वाले क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि ये प्लस वाला साइन लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 की पावर x है और यहाँ पर भी 2 की पावर x है, तो इसमें से क्यों ना हम 2 की पावर x को बाहर निकाल दें, 2 की पावर x हमें बाहर निकाल दें। जैसे ही हमने 2 की पावर x बाहर निकाले तो इस वाले में क्या बचेगा हमारे पास 3 और इधर क्या बचेगा हमारे पास 2। क्लियर, ठीक है, जैसे ही ये बचा तो इधर क्या बचा हमारे पास, 3 की पावर 3x माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5। अब कुछ रास्ता दिखने लग गया हमें कि 2 प्लस 3 5 होगा और यहाँ पर हमें ऑलरेडी 5 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की पावर 3x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2x एंड मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब इधर क्या बचा, 1 इंटू 2 की पावर x ऐसे लिखूं और यहाँ पे क्या लिखूं, 2 की पावर 3x माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, 2 को इसके हम, अब नेक्स्ट मार्क पॉइंट क्या था, नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट में हमें क्या करना है कि सभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑल सेम बेस, और सेम बेस एट वन साइड, सारे सेम बेस को एक साइड, सारे सेम बेस को एक साइड करने के लिए तो यहाँ मल्टीप्लाइड में, तो यहाँ क्या आ जाएगा डिवीजन में, तो 2 की पावर 3x माइनस 1 अपॉन 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या, 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0, किसी भी नंबर 1 को 2 की पावर 0। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में कभी अगर हम ऐसे फंस जाते हैं कि 1 अब क्या करें, तो 1 हमें कब बचाता है, 1 हमें उस कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 5 होता, 10 होता, कुछ भी होता, उसकी पावर 0 करते ही हमारा काम बन जाता है। अब बेस कैसे हैं, इक्वल हैं, जब बेस इक्वल हैं तो पावर कैसे होंगी, पावर हो जाएंगी इसमें माइनस, पावर माइनस हो जाएंगी तो 2 की पावर क्या बचेगा हमारे पास, 3x माइनस 1 माइनस x इज इक्वल टू 2 की पावर 0। दोनों कितना हो गया, 2x 2x माइनस 1, तो हमारे पास क्या आया, 2 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 0, दैट मीन्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, इफ LHS इज इक्वल टू RHS, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, कि पावर एक्स मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 2x इज इक्वल टू 125/27 फाइंड एक्स। क्वेश्चन फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू आपको इसमें फाइंड करना है। बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, इन्हीं दो चीज़ों से। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन, इरेशनल नंबर्स कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों ने कर लिया होगा, वीडियो पॉज कर लीजिए, अपने आंसर निकालिए, उसके बाद सॉल्यूशन आप देखिए, ठीक है। आई होप आपने लोगों ने अब तक कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, अब इस वाले क्वेश्चन की हिंट हमें यहाँ से मिलेगी कि ये कुछ 5 की पावर है और ये भी कुछ 3 की पावर है। हमें यहाँ पर 3 और 5, 5 और 3 दे रखा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/3 की पावर 3, क्योंकि 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, और ये क्या होगा आपका 3 × 3 × 3, ठीक है। तो 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3, हमने इस तरह से इस चीज़ को लिख लिया। अब 5/3, अब हमें कंपेयर करवाना है, कंपेयर करवाना है, तो या तो हमें इसको 3/5 में कर लो, या तो सबको 3/5 में कर लो, या सबको 5/3 में कर लो। तो ये अगर हमारे पास इस फॉर्मेट में दे रखा है, तो इसको अगर मैं 5/3 की पावर -x मल्टीप्लाइड बाई 5/3 की पावर 2x लिखूं, तो क्या दिक्कत। अब क्वेश्चन यहाँ जाता है कभी कभी, आओ ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये ऐसे किया, a की पावर -n = 1 a की पावर n। अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो उसको पलट के उसकी पावर को पॉजिटिव लिखा जा सकता है। अगर मैं ऐसे लिखूं a की पावर n = 1/a की पावर -n, या हम इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं कि a की पावर m और b की पावर n, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m को अगर माइनस फॉर्मेट में लिखना होगा तो 1/a की पावर -m लिखूंगा, और b को अगर लिखना होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 1/b की पावर -n, ऐसे ही तो लिखूंगा a की पावर n। यहाँ पर हमें समझने के लिए ऐसे करते हैं कि हम, ये तो इतना तो समझ में आ गया, तो अगर हमारे पास a की पावर m और b की पावर n इस तरह से, तो सबसे पहले मैं न्यूमिनेटर को देख रहा हूँ, न्यूमिनेटर को मुझे माइनस पावर के रूप में लिखना है, माइनस पावर के रूप में लिखना है, तो 1/ में लिखूंगा मैं 1/a की पावर -m, ठीक है। और इसको फिर b को भी लिखूंगा तो 1/b की पावर -n, तो ये n ऊपर पहुंच गया, ये n ऊपर पहुंच गया, तो क्या बचा, b की पावर -n और a की पावर -n। अगर m और n की वैल्यू एक ही हो जाए, m = n, तो क्या हो जाएगा, b/a की पावर -n, और अगर इसे हम पलट के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a/b की पावर n। तो कहानी क्या हुई, कहानी ये हुई कि अगर किसी भी नंबर की पावर को अगर हम माइनस कर दें, किसी भी पावर में अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेस अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, बेस अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे, इतना याद रखना है, ठीक है। इसको कर लो AIM, मतलब एड इन मेमोरी, कि अगर हम a/b की पावर m है, अगर हमने पावर माइनस कर दी तो बेस भी इसके उल्टे हो जाएंगे, आगे समझ लो, जैसे ही पावर उल्टी हुई तो बेस भी इसके उल्टे हो जाएंगे, ठीक। तो अब इस वाले चीज पर हम आगे आते हैं, तो अब तो सबके बेस 5/3 हो गए, काम बहुत आसान हो गया, बेस इक्वल कर दो, बेस इक्वल करने के बाद 5/3 और माइनस एक्स और प्लस का 2x इज इक्वल टू 5/3 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा, x = 3। इस वाले क्वेश्चन में बस समझने वाली बात ये थी बस, कि जैसे ही बेस, जैसे ही रेशनल नंबर पलटता है उसकी पावर भी पलट जाएगी, ठीक है। मात्र समझने लायक पॉइंट ये था इस वाले क्वेश्चन। चलिए एक जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट भी देंगे।
लिखिए 25 की पावर x माइनस वन इज इक्वल टू 5 की पावर 2x माइनस वन माइनस 100 फाइंड x, फाइंड x, x की वैल्यू क्या है। इसको ट्राई करें, कैसे ट्राई करेंगे, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है कि सबसे पहले तो एक तरफ एक जैसी पावर वालों को रख लो पहले, तो पहला काम तो हमारा ये करते हैं, उसके बाद की कहानी बाद में सोचेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 एक जैसा पावर एक जैसा बेस बनाएंगे, तो 5 और 25 का रिलेशन हमें पता है, तो 5 की पावर 2 और यहाँ पर क्या x माइनस वन इज इक्वल टू 5 की पावर क्या 2x माइनस वन और यहाँ पर माइनस का 100। ठीक है, अब इनको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, या एक काम करो 100 इधर ले जाओ और इसको उधर ले जाओ, कुछ भी जैसा भी आपको सूटेबल लगे। ठीक है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 2x माइनस 2 और यहाँ पर माइनस 5 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 100। आगे समझ में, 2 से मल्टीप्लाई, ये तो बिल्कुल ऐसा था। अच्छा 2x 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 में से 2 कम हो रहा है, 2x में से 1 कम हो रहा है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये वाला नंबर बड़ा होगा, ये वाला नंबर छोटा होगा। तो हमेशा कॉमन किसको लेते हैं, जो नंबर छोटा हो, जो नंबर छोटा होगा उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो 2x माइनस 1 में से 2x माइनस 2 कर दो, 2x माइनस 2 करोगे तो माइनस 2 पे ये प्लस 2 हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास अकेला 5 और इज इक्वल टू माइनस का 100। ये चीज़ समझ में आई, ये 5 कैसे आया, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉमन लेना, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि इस नंबर को इस पूरे नंबर से डिवाइड कर दिया, या इसकी पावर इसमें से तो ये पूरा ले लिया तो बन बचा, आप इतनी पावर इसमें से माइनस कर देंगे, 2x माइनस 1 में से इतनी पावर ले ली, तो 2x माइनस 1 में से कितना पार्ट चला गया, माइनस का 2x माइनस 2, तो माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 2 और यहाँ पर 2x माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल और क्या बचेगा हमारे पास 1, तो यह क्या बचा हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 100 और 5 की पावर कितना हो गया हमारे पास 2x माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कट गया हमारे पास 25 टाइम्स, और इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 2, बेस इक्वल पावर भी इक्वल, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 उधर गया तो कितना हो गया 4, तो 2x इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं। ठीक है, क्लियर आप लोगों को, तो आज हमने क्या किया, आज हमने पुरानी ही टॉपिक को डिस्कस किया, आगे इसमें हम x की वैल्यूज किस तरह से निकालते हैं, अगर x हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में हो, एक इस तरह के क्वेश्चन हमने किए जिसमें हमने एक्सपोनेंट्स की पावर्स को किस तरह से डील करते हैं वो सारे क्वेश्चन थे, इसमें एक साइक्लिक ऑर्डर के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो सारे इसमें हमने इंक्लूड कर लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड आप लोगों को असाइनमेंट भी मिलेगा, ये हमारा लेक्चर 3 था। लेक्चर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मीन्स जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो नंबर उनका एलजेब्रा, उनकी फॉर्म, उसमें क्या क्या होता है, उनका सर्ड होती है इसमें एक कैटेगरी, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।